तमाम साथियों को यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से वेलकम करते हुए, खुसूसन आज के इस प्रेस मीट के वास्ते हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब को मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे रियाज खान साहब जो मीडिया के इंचार्ज हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनका भी मैं वेलकम करते हुए आए हुए तमाम मीडिया के जिम्मेदारों का वेलकम करते हुए आज का इस प्रेस मीट को मैं दावत देता हूं जनाब अब्दुल मजीद साहब स्टेट प्रेसिडेंट को कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम तमाम मीडिया के फ्रेंड्स, आज दो अहम मुद्दे पर आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। एक तो कर्नाटका का जो हालात चल लेकर है, फैजिज्म और फिस्ताही ताकतें इस कर्नाटका का लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से, इधर हुकूमत ही नहीं वैसा एक हालात क्रिएट कर लेकर है। हर दिन एक कम्युनल इश्यू लेना और इधर मुसलमानों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ऐसा ही दलित कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कर लेकर है। हुकूमत जो इसको रोकना, मगर हुकूमत इनडायरेक्टली जो दंगाइयों को, फिस्ताही ताकतों को सपोर्ट कर लेकर है। जब ईश्वरप्पा का ऊपर एक इल्ज़ाम आया 40% कमीशन डिमांड कर लेकर है, उनका ही बीजेपी का ये कार्यकर्ता संतोष पाटिल, और दो तीन महीने से इस इश्यू को उन्होंने पूरे मीडिया का सामने रखे थे, कहां तक भी दिल्ली में जाकर प्राइम मिनिस्टर को मिलने का कोशिश किया, पर प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखे, उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर लिए जो जिम्मेदार ठहराते हुए ईश्वरप्पा को। तो जब पूरा कर्नाटक में ईश्वरप्पा को अरेस्ट करना, बोल क्योंकि ऑलरेडी FIR लॉज हुआ है, आरोपी नंबर 1 है ईश्वरप्पा, जो रिजे यानी अरेस्ट करने के लिए जो डिमांड आया, इसको डाइवर्ट करने के लिए आज उडुपी जैसा, हुबली जैसा एक इश्यूज को क्रिएट करें। तो यानी कि असल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज ले लेंगे, और पर्टिकुलरली मुस्लिम ट्रेडर्स को टारगेट कर लेकर है, बॉयकॉट कर लेकर है, हर दिन नफरत का स्पीच चल लेकर है, मुस्लिम्स को थ्रेट कर लेकर है, एक ओवरऑल एक फिस्ताही ताकत ऐसे कर लेकर एक माहौल को इतना बिगाड़ लेकर है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कल इसका स्टेट सेक्रेटरीट मीटिंग में हम लोग बैठे, इस मुद्दे पर कैसा किए जाए, तो इसलिए हम लोग एक डिसीजन लिए हैं, कोई भी मजलूम कर्नाटक के अंदर कोई भी जात का हो, उसको मजलूम वो कानून का जो उनको हेल्प चाहिए उससे उसे उनको लीगल हेल्प मिलना है, एक कॉन्फिडेंस मिलना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक आज आपका माध्यम का जरिए से एक लीगल हेल्प डेस्क हम लोग ऐलान करते हैं। स्टेट लेवल में बेंगलुरु में 5 एडवोकेट्स का टीम इसके लिए काम करेंगे, और हर जिले में 2 से 3 एडवोकेट
का एक हेल्प डेस्क होगा। ये लोग जो भी मजलूम है, चाहे वो सोशल बायकॉट का हो, ट्रेडर्स को थ्रेट करने का हो, या कोई भी ऐसा इश्यू फिस्ताही ताकतों का जरिया आता है, तो इसको लीगली फाइट करने के लिए हम उनको, हमारे लीगल टीम उनको मदद करेंगे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो ह्यूमन राइट्स को इनको सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में हमारा स्टडी में ये मिला है कि हमारे बहुत सारे मजलूमों को मालूम नहीं है कि कैसा जाना है, किसको कंप्लेंट करना है, कब करना है, किसको अप्रोच करना है, ऐसा बहुत सारे परेशानियां वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम लोग जो भी मजलूम कम्युनिटी को हिम्मत अफजाई देने के लिए और उनके साथ खड़े होकर उनका लीगल हेल्प करने के लिए हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक लीगल हेल्प डेस्क आज से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। फौरन हम लोग ऑलरेडी एक विद इन ए वीक हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिक्लेयर करेंगे सोशल मीडिया एंड मीडिया का जरिए कौन है वो डिस्ट्रिक्ट का हेल्प डेस्क का जो जिम्मेदार कौन है बोलकर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये मैं आप ऐलान करता हूँ। दूसरी अहम बात, आपको मालूम है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब आज बेंगलुरु को आए हैं बेंगलुरु का पॉलिटिक्स करने के लिए। तो आपका माध्यम से हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जो आपका ही स्टेट में इतना बड़ा जुल्म चल लेकर है जहांगीरपुरी में, क्योंकि जहांगीरपुरी में बहुत गरीब मुसलमान जो लोग रहते हैं, हिस्ट्री ऐसा है कि कभी भी वो लोग बहुत गरीब है, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह कर लेकर, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी थे, जॉब्स उनको चला गया, अभी छोटा मोटा दुकान वगैरह लगाकर वो बिजनेस कर ले करते। तो ये रामनवमी का जो नाम पर उस जहांगीरपुरा इलाके में पुलिस का मना था उसमें प्रोसेशन नहीं जाना है, बिल्कुल परमिशन नहीं था, उसका बावजूद ये लोग जबरदस्ती गए, जबरदस्ती हथियार लेकर गए और ऐसा प्रोवोकेटिव करे, बहुत सारे प्रोवोकेटिव कर भड़काने का काम करे, पत्थरबाजी हुई, वो भी तहकीकात होना चाहिए कौन पत्थरबाजी करे। तो इसका बाद जैसा ही हो गया, उसका बाद उधर का जो भी लोकल बॉडी है इमीडिएट बुलडोजर लेके वहाँ का जो भी दुकाना है घर जो है डेमोलिश कर लेकर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था स्टॉप करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को मेंटेन कर, उसका बावजूद भी उधर डेमोलिशन हो लेकर है। मगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनको बेंगलुरु आने के लिए फुर्सत है मगर वो मजलूमे के साथ करने के लिए उनको टाइम नहीं है। किधर है? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री हो वहां का, आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, उस कारकुन हो, किधर है वो लोग, क्यों रोकने का कोशिश नहीं किया? तो इसमें जाहिर होता है असल चेहरा आम आदमी पार्टी का। मैं अवाम को आपका जरिए बताना चाहता हूं, ऐसे जो हाइपोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भरोसा कर जाना बहुत डेंजरस है, इनका फिस्ताही ताकतों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग जस्टिस का बात करते हैं, डेमोक्रेसी का बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश को इन लोग इंकार करें, जो जितने भी जो लोकल बॉडी का अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट क्यों नहीं रोके? मुझे तजुर्बा है दिल्ली का दंगे, मैं खुद उधर सर्वे कर हूँ, उनका मजलूमों को मिलकर हूँ, विक्टिम्स को मिलकर हूँ। दिल्ली जो दंगा हुआ CAA के बाद, उसमें भी आम आदमी पार्टी का कुछ भी इस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को कोई भी मदद, कोई भी हेल्प, कोई भी उनका ये दंगों को रोकने का कोई कोशिश नहीं हुआ। तो कोई हक नहीं बनता ये लोगों को, उधर का जो मजलूमों का पॉलिटिक्स छोड़ के आज बेंगलुरु आके पॉलिटिक्स करने का, ये आवाम जानना चाहिए। और मैं ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हिपोक्रेसी है इसको मैं कंडम करता हूँ।
इतना ही है। राम सीमा का प्रमोद मुतालिक ने ऐलान किया है कि ट्वेल्थ से अजान पर पाबंदी के सिलसिले में हम लोग फील्ड वर्क करेंगे, तो सिलसिले में लीगल सपोर्ट क्या रहेगी, एसडीपीए का क्या शब्द? देखिए ऑलरेडी जो हर इश्यू ऐसा ही सिर्फ अजान बोलकर नहीं, हर ऐसा इश्यू को हम लोग जो भी मजलूम है, जो भी लोग हैं, जो भी मस्जिद का अथॉरिटीज है, उनको हम लीगल हेल्प करेंगे। देखिए बहुत क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, अजान माइक में देने का मना नहीं है, बस उसका वैल्यूम को एक लिमिटेशन है, जो साउंड का जो वैल्यूम है उसका जो लिमिटेशन है वो ऑलरेडी डायरेक्शंस हर पुलिस स्टेशन से नोटिस इश्यू किया है, आपका जो डेसिमल वो जो भी है वो साउंड का कितना वैल्यूम रहना है बोलकर उसको रख के करेंगे। कोई भी ताकत अजान को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका माध्यम से अपील करता हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है ऐसे लोगों को रोकना है, क्योंकि इनका मकसद ही है, क्योंकि 75 साल से आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी यह जो अजान है जारी है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं किए। तो अगर किसी को तकलीफ होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उधर, वो कंप्लेंट करेंगे, पुलिस उसको देखेंगे। ये संघ परिवार का आरएसएस का मुतालिक का क्या काम है इसमें? तो ये जो कानून को हाथ में लेना, इसके लिए रुकावट करना या इसको इसके ऊपर एक्शन लेना, ये पुलिस का जिम्मेदारी है, पुलिस इनको रोकना है। सर, दिल्ली सीएम केजरीवाल को ये करना था, उनको जो है सेफ गार्ड करना था, लेकिन उन्होंने कंटेंट ऑफ कोर्ट किया है, तो क्या इस पर अगली कार्रवाई की जाएगी? देखिए कंटेंट ऑफ कोर्ट क्योंकि अथॉरिटीज के ऊपर होता है, जो अथॉरिटीज इसको वायलेट किए हैं उनका ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है। मैं करूँ एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर होकर उनका ही स्टेट का अंदर ऐसा कानून का खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ हो रहा था, इनका जिम्मेदारी था उसको रोकने का। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्यों नहीं रोके? मजलूमों के साथ क्यों नहीं खड़े ये लोग? क्या है ये? क्योंकि किधर क्या डेमोक्रेसी चल रहा है? क्या चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन लीगल हो या इलीगल हो, उसका एक प्रोसीजर होता है, एक नोटिस होता है। आखिर देश बोले तो क्या, इधर का आवाम देश है ना। अगर गवर्नमेंट, अगर हुकूमत, उनको उनका गवर्नमेंट हुकूमत का जिम्मेदारी क्या है? हर इंडियन को घर देना, हर इंडियन को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनको एजुकेशन देना, यह गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। 75 साल से आप लोग एक घर नहीं दे सके, आके एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, अगर खुद उन लोग जो झोपड़ी बना लिए और खुद उनका छोटा मोटा कारोबार बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी रुकावट कर रहे हैं। आप पहले आपका जिम्मेदारी आप निभाना था। अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं मैं बहुत कुछ कर दिया, क्यों दिल्ली के रहने वाले ऐसे झोपड़ी पट्टी में, स्लम में रहने वाले को घर बनाने का क्यों नहीं किए? इनका जो इश्यू रेगुलराइज क्यों नहीं करे? जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाए? मैं पूछना चाहता हूं आपके जब से। आप बोलते हैं मैं अलग हूं, दूसरे पार्टी का जैसा नहीं हो, बताओ आज, आज बताओ बेंगलुरु का मीडिया में, आज बेंगलुरु का कॉन्फ्रेंस में अगर है तो बताओ कितने लोगों को आप घर दिए हैं दिल्ली में, कितने लोग बेघर हैं दिल्ली में, बताओ। सर सवाल ये होता है कि विधायकीय दल में जिनके मकान तोड़े गए, जितने भी राजनीतिक पार्टी सब जाकर राजनीति कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन असल में सोल्यूशन कोई घर बसाने का काम कोई नहीं कर रहा है, क्या एसडीपीए इस मामले में कोई सीरियस काम करेगी उनको रीइंस्टेट करने के लिए? देखिए एसडीपीआई को बहुत सारे लिमिटेशन है, आप भी जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत जो है, वी आर फ्रॉम डिफरेंस फ्रॉम बीजेपी, वी आर डिफरेंस फ्रॉम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बोलकर हुकूमत करने वाले, फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत करने वाले, क्यों ये लोगों को घर नहीं देते खुद का? अगर इलीगल है तो इनको रेगुलराइज क्यों नहीं करते? आप ऐसे टाइम में बात करेंगे, चल क्यों, कौन हक दिया ये लोग अथॉरिटीज को? एक प्रोसीजर तो होना चाहिए लीगल नोटिस देने का। मैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके पूछना चाहता हूं, हम लोग जो मजलूमों के साथ खड़े होंगे, उनका लीगल फाइट को हेल्प करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, सब करेंगे, फिर भी एक लिमिटेशन है। एक अपोजिशन होकर काम नहीं करेंगे, मगर हुकूमत में रहने वाले केंद्र सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट एंड एज वेल एज केजरीवाल का गवर्नमेंट, जितने भी बेघर लोग हैं दिल्ली में,
उनको घर देने का काम करो, फिर इलीगल का मसला ही नहीं आता है। सर अरविंद केजरीवाल जब भी मुसलमानों की बात आती है वो आगे नहीं आते। शाहीन बाग के वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पुलिस मेरे अंडर होती तो 2 घंटे में मैं शाहीन बाग खाली कर देता, और कल जब उनकी जरूरत थी दिल्ली में वो बेंगलुरु में आकर बैठे हैं। देखिए ये मैंने बताया, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को जो उसका मुद्दा जो चलने करता, आर्टिकल 370 हटाया, वो हटाना चाहिए बोलकर यानी केजरीवाल का डिमांड था। हालांकि केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में स्टेटहुड का यानी स्टेट पावर दो, यानी कि दिल्ली में पुलिस का वगैरह का जो पावर जो है केंद्र सरकार में है वो हम लोग को पावर दे बोलकर दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं, मगर कश्मीर के लिए बोल रहे हैं आप 370 हटा के उधर का स्टेट का जो पावर है वो निकालो। ये हिपोक्रेसी है, ये है अरविंद केजरीवाल। लोग समझना है, लोग समझने में आप बेवकूफी हो कर लिए तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। कर्नाटक के अवाम को मैं आपका माध्यम से देता हूँ, समझो ये पोलिटिकल पार्टी का हिपोक्रेसी समझो, अगर नहीं समझोगे बहुत बड़ा मुश्किलत में हम लोग आ जाएंगे। हुगली में जो इंसिडेंट हुआ है वहां पर जब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा करके जो कार्रवाई की गई है उसमें कांग्रेस का हाथ भी बताया जा रहा है, और कांग्रेस वाले आरएसएस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग उसमें शामिल थे, जिसके चक्कर में बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, वहां पर एसटीपीआई की जानिब से क्या कार्रवाई हुई? देखिए ऑलरेडी एसटीपीआई का एक डेलीगेशन जो लोकल डेलीगेशन तो काम उस दिन से कर लेकर है, एसटीपी का एक स्टेट डेलीगेशन हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोडलीपेट का लीडरशिप में उधर गया है। आज उधर पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और उसके साथ साथ उधर जो तंजीमों हैं जितने भी ये काम करने कर उनको मिलने का कोशिश करेंगे, और जितने भी विक्टिम्स का उनको करने का कोशिश करेंगे, और जितने भी जो गुलबर्गा के अंदर जेल में है उधर भी हमारे एडवोकेट्स जाकर उनको ऑलरेडी उनके लिए एंट्री डालकर उनसे बातचीत किए हैं। गुलबर्गा के अंदर उनको जो भी अगर लीगल हेल्प है वो देने के लिए। तो इसमें क्या है, देखिए एक साजिश है इसमें, क्योंकि एक प्लान है मुसलमानों को प्रोवोक करना, और प्रोवोक करने के बाद जब भी इतिजाज यानी पीसफुली इतिजाज रहता है उसमें पत्थर आ जाता है, करंट ऑफ हो जाता है, पत्थर आ जाता है, किधर से आता है? तो आजकल मालूम है आपको आरएसएस का मुस्लिम आरएसएस भी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो इसके लिए ये मुसलमानों के अंदर रहकर ऐसा करने के लिए साजिश है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत सारे साजिश है। तो एसटीपीआई हम डिमांड कर रहे हैं, आज हुबली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम डिमांड करते हैं कि हाल ही जो सिटिंग जज का लीडरशिप में इसका तहकीकात इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कांग्रेस बोलता है कि बीजेपी इसमें बीजेपी का लोग इसका हाथ में है, बहुत सारे लोग तो एमआरएम है इसमें, संघ परिवार है, संघ परिवार तो है ही इसमें, दो रहता नहीं है, और ये लोग कांग्रेस का करते हैं। तो इसलिए अगर है तो सिटिंग जज से कराओ तुम इंक्वायरी। सर मुझे भाई जितने लोग आप जैसे लोग जो इतिहास ईश्वरप्पा की अरेस्ट का जो डिमांड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में डिमांड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड कर रहे हैं, सिवाय ये एफआईआर के जो वीकेस्ट फॉर्म 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लगाया हुआ है, आप लोग क्यों एफआईआर नहीं रजिस्टर करते? क्योंकि यहाँ पे दो मसले हैं, एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक 5,500 करोड़ का वाटर इरिगेशन का घपला जो रूरल डेवलपमेंट पंचायत में किया गया है, एसडीपीआई का इलीगल सेल, इसमें क्या करवाया था? इसमें देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 306 हो गए, एक एफआईआर हो गया, तो कितना एफआईआर चाहिए? ऑलरेडी जो विक्टिम संतोष पाटिल का ब्रदर कंप्लेंट दिया है, एफआईआर किया है, तो इनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला उसमें भी मैं डीजीपी कर्नाटका को मैं पूछा हूं, अगर अबेटमेंट इस ऐसा जो सुसाइड का इसमें अगर एक आम आदमी होता तो अब तक आप अरेस्ट नहीं करते क्या? तो हम पूछना चाहते हैं क्या कानून ईश्वरप्पा को, कर्नाटक में कानून ईश्वरप्पा को एक आम आदमी को एक है क्या? फौरन अरेस्ट करना का ही, अरेस्ट करने के लिए एक एफआईआर काफी है, हम बार बार बोलते आए हैं, हम पूरा पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में इतिजाज चालू है, अभी भी चालू है, इतिजाज करें। मंगलोर का अंदर चीफ मिनिस्टर का काफला को फ्लैग ब्लॉक ऑफ ब्लॉक दिखाए, इसके लिए यही डिमांड था, अरेस्ट करो। सर
सर मैं आपको रोक रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मसला यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आता है कि पुलिस जो तहकीकात कर रही है अमिटमेंट ऑफ सुसाइड केस की, फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, राइट? प्रेजेंट सीएम और फॉर्मर सीएम येडियुरप्पा दोनों ने अश्योर किया मीडिया का कि के सी शर्मा विल कम मोर क्लीन, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ऑलरेडी जो लास्ट वीक में जब इंसिडेंट हुआ, जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा क्लियर स्टैंड मैंने बताया था कि एक तो क्या है, एक ईश्वरप्पा को अरेस्ट करना, दूसरा ये इंक्वायरी जो है, ये तहकीकात जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है हाई कोर्ट का सिटिंग का जज का सब में कराना। तो अगर ये लोग येडियुरप्पा बोलते हैं या कोई भी बोलते हैं या ईश्वरप्पा बोलते हैं मैं क्लीन हूं, तो क्यों आपको डर है सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने का? जब जार्ज का इश्यू आया सीबीआई इंक्वायरी को दिए, सीबीआई इंक्वायरी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद जार्ज को क्लीन चिट मिला, तो ऐसा करो ना। तो इसमें क्या मालूम होता है, इसमें गलत किए हैं, क्योंकि ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा, बीजेपी का कार्यकर्ता सुसाइड किया। इससे पहले दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लेटर लिखा, अब लिंगायत का स्वामी जी दिगास्वर स्वामी जी जो 30% का ये कर रहे, अभी पीएसआई का जो इसमें बहुत बड़ा घोटाला चलने कर रहे रिक्रूटमेंट में, वो भी बीजेपी का लीडर है, जो बच्चों का जो आंगनवाड़ी का जो एग का सप्लाई में उसमें घोटाला, कितना घोटाला करोगे? नहीं उसके लिए नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम लोग बैंगलोर में एक बैंगलोर का एक स्टेट टीम बनाए हैं, हम उसमें हाईकोर्ट का एडवोकेट विजयन है, एडवोकेट मजीद खान है, एडवोकेट चांद पाशा है, एडवोकेट शिवमणिधन, ऐसा एडवोकेट का करना है। ये हर मजलूम को है, क्योंकि आपको मालूम है एसडीपी का नारा हर मजलूम हमारा है, जात गीत कोई भी नहीं, जो भी मजलूम है, जो भी विक्टिम है, उनको हम हमारा लीगल हेल्प करेंगे, यानी कि लीगल गाइडेंस करेंगे, लीगल हेल्प करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ಏನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡ್ತಾ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು, ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಇದರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳ ತಂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ 2-3 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಡವರಿರ್ತಾರೆ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದು, ಯಾರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಿರಲಿ, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ದಲಿತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಯಾರೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿರಲಿ, ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ದೆಹಲಿಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
आ जहांगीरपुरी आवंदु भाग के यावदे अनुमति इल्लदिद्दरू कूड संघ परिवार गुंडागळु एल्ला रीति हत्यार आयुधगळन्नु हिडिदु अल्ली मसीदि एदुरुगडे प्रोवोकेटिव आगंत स्पीच अन्नु माडि प्रोवोकेटिव घोषणेगळन्नु कूगि आनंतर कल्लु तूराट नडेदु ಒಂದು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಲಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಂಧನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಕಾಗದ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನೀವು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು? ಟ್ವಿಟರ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗಲೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? 75 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬಡವರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿರ್ತಾರೆ? ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ, ನಾನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 4 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, 4 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಸಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಸತಿ ರಹಿತರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮುಟ್ಟಾಳರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.